नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता। एसओजी सहित कई टीमों ने पकड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा। बहेड़ी स्टार राइस मिल में 683 रिफाइंड तेल का पकड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा। 7,40,000 नकद के साथ पकड़ा सामान और फर्जी ब्रांड के रैपर। यहां पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है फर्जीवाड़ा। कल रात में एसओजी टीम ने की थी छापेमारी, जिसमें 4 युवकों को पकड़ा और कुछ लोग मौके से फरार। कल रात से पुलिस टीम ने की थी और छापेमारी जारी, मेन माफिया मौके से फरार। अभी तेल माफियाओं तक नहीं पहुंचे हैं पुलिस के हाथ खाली। थाना बहेड़ी का मामला, बहेड़ी संवाददाता विशाल हुसैन की रिपोर्ट। मामला है, क्या मामला है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? थाना इज्जत नगर के अंतर्गत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 683 केन मैरीगोल्ड का तेल और साथ में जो तेल बेच लिया गया था उसके 7.5 लाख रुपये बरामद किए गए। ये घटना इस प्रकार से कि 15-16 फरवरी के आसपास रक्सौल से तेल का ट्रक चला था और इन्होंने धोखाधड़ी से उस ट्रक का जो नंबर प्लेट है उसको चेंज कर दिया था और ट्रक की नंबर प्लेट चेंज करके इन्होंने जो सारा तेल, जो जितने भी 1200 के आसपास केन थे उसमें, वो सारे केन इन्होंने अपने आप रख लिए और वो बेच दिए। इसके बाद जो रक्सौल में मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें जो नंबर प्लेट नकली यूज़ की गई थी उसका जो मालिक है वो नामजद हो गया था, जबकि वास्तविकता में जो ये 4 अभियुक्त हैं इन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो सारा तेल है उसको हड़प लिया था। क्या इसमें नंबर प्लेट किस तरीके से बदली गई, क्यों फंसाने की साजिश की गई? ये दोनों ही जो लोग हैं, ये जो वास्तव में नामजद हो गए हैं वो बरेली के हैं और जो इसमें अभियुक्त बने हैं वो भी बरेली के। दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता थी, साथ ही साथ इसमें इन्होंने इनके नंबर प्लेट का यूज़ करके धोखाधड़ी की ताकि ये जो इनका जो प्रतिद्वंदिता जिससे है वो इसमें फंस जाए। क्या क्या बरामद हुआ है, कितना कैश बरामद हुआ है? इनके पास से 7,30,000 रुपये और साथ में 683 केन जो मैरीगोल्ड तेल है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा जो जी ये तेल को नकली रैपर के साथ बना के बेचते तो वो रैपर भी बरामद हुए हैं, साथ में जो फर्जी आरसी और फर्जी दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण में और भी जांच की जा रही है कि क्या वास्तव में इन्होंने पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया या नहीं।